Hello students I' am going to discuss this chapter Chapter Four the Union Judiciary, the Supreme Court. In this chapter, I'll discuss composition of the Supreme Court jurisdiction of the Supreme Court, powers of the Supreme Court, and functions of the Supreme Court. composition of the Supreme Court the Parliament by law may increase the number of judges according to the Act of two thousand eight the Supreme Court कंजिस्ट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है नॉट मोर देन थर्टी अदर जजेस और बाकी थर्टी जजेस होते हैं ईच जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर द कंसल्टेशन विदेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस से और सुप्रीम कोर्ट के जजेस से कंसल्ट करके जज को अपॉइंट किया जाता है एज द प्रेसिडेंट मे फील नेसेसरी जैसा प्रेसिडेंट को जरूरत पड़े उससे कंसल्ट करके जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को अपॉइंट किया जाता है द प्रेसिडेंट अ जज, अदर देन चीफ जस्टिस ही ऑलवेज कंजल्ट चीफ जस्टिस जब प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं किसी जज को चीफ जस्टिस के अलावा तब वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करते हैं द चीफ जस्टिस इन टर्न मस्ट कंजल्ट द फोर सीनियर और चीफ जस्टिस क्या करते हैं चीफ जस्टिस भी कंसल्ट करते हैं सीनियर फोर मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट से पहले रिकमेंडेशन uh, करने से पहले द क्राइटेरिया फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज सीनियोरिटी चीफ जस्टिस का जो अपॉइंटमेंट होता है वो बहुत ही सीनियर होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज द मोस्ट सीनियर तो उनसे जरूर कंसल्टेशन uh, जरूरी है और चीफ जस्टिस को अपॉइंट करना वो सबसे बड़ी सीनियोरिटी है क्वालिफिकेशन अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया ही मस्ट हैव बीन अ जज फॉर एटलीस्ट फाइव इयर्स हाईकोर्ट में वो पांच साल जज हो और ही शुड हैव बीन एन एडवोकेट ऑफ अ हाईकोर्ट फॉर एटलीस्ट टेन ईयर्स या दस साल से वो एडवोकेट हो हाईकोर्ट में या फिर ही मस्ट बी इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट ओथ ऑफ ऑफिस every judge before undertaking takes oath so first he or she will bear a true faith and allegiance to the constitution will uphold the sovereignty and integrity of india india ki sovereignty ko integrity ko zarur dimag mein rakhe rahega hamesha hamesha india ki aan baan shaan ko maintain rakhega will perform the duties of his or her office without any fear without any favor without any affection or ill will term of office जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिटायर एट द एज ऑफ सिक्सटी फाइव ईयर्स और अगर उनको बीच में रिमूव करना है तो अ में रिजाइन बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट ही मे ऑल्सो बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट भी हटा सकते हैं जज को ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूवड मिसबिहेवियर अगर कोई मिसबिहेवियर या इनकॉम्पिटेंसी प्रूव होती है तो बट इट कैन बी डन ओनली बाय एन एड्रेस ऑफ ईच हाउस टू द पार्लियमेंट ऑफ दू द प्रेसिडेंट लेकिन अगर ये तभी होगा जब हाँ, किसी भी हाउस में ये किस्सा होता है तो प्रेसिडेंट को बताया जाएगा तब और उसमें भी टू थर्ड मेजोरिटी अगर हाउस ने रेजोल्यूशन पास कर दिया जज के खिलाफ तब जज को रिजाइन करना पड़ेगा द जज कैन बी रिमूव ओनली आफ्टर द प्रेसिडेंट ऑर्डर फॉर रिमूवल द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट प्रैक्टिस एट एनी कोर्ट ऑफ इंडिया आफ्टर द रिटायरमेंट हा आफ्टर ट्वेंट सिक्सटी फाइव ईयर्स जजेस रिटायर हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट से तो वो कहीं और किसी और कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ज्यूरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है जुरिस्डिक्शन मीन्स द पार दैट अ कोर्ट ऑफ लॉ एक्सरसाइज जो काम करेगी टू कैरी आउट जजमेंट टू इंटरप्रेट लॉ एंड टू सेटल डिस्प्यूट द सुप्रीम कोर्ट हैज ओरिजिनल एपिलेट एज वेल एज एडवाइजरी एंड रिवाइज ज्युरिस्डिक्शन तो वॉट इज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन वो होता है जो पहली बार ही केस सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा डायरेक्टली वो केस जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास और वो सुप्रीम कोर्ट उस मैटर को देखेगा न वट आर द फॉलोइंग केसेस कम्स अंडर द ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन फॉर द सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट अगर कोई डिस्प्यूट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और किसी स्टेट के साथ अगर कोई डिस्प्यूट होता है एक या दो से ज्यादा स्टेट्स के साथ दो से ज्यादा स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट्स हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट देखेगा थर्ड कोई डिस्प्यूट है यूनियन और किसी स्टेट के साथ या किसी और भी स्टेट्स हैं और दो तीन स्टेट्स हैं और यूनियन के साथ कोई डिस्प्यूट है या कोई स्यूट्स हैं इन्वॉल्विंग फंडामेंटल राइट किसी प्राइवेट इंडिविजुअल की फंडामेंटल राइट्स के साथ छेड़छाड़ हुई है तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा

अ कोर्ट ऑफ अपील विच मीन्स विच मे चेंज द डिसीजन क्योंकि चेंज हो सकता है डिसीजन और या सेंटेंस भी कम मतलब कोई सेंटेंस जो लोअर कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने पास कर दिया है उसको कम कराने के लिए या कोई भी लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट की जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो अपील करते हैं सुप्रीम कोर्ट में तो इस तरीके से द सुप्रीम कोर्ट इज द हाइएस्ट कोर्ट ऑफ द अपील इन आर कंट्री अपील्स स्पेसिफिक सिविल एंड क्रिमिनल केसेस कैन बी मेड टू द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द डिसन ऑफ द स्टेट हाईकोर्ट अगर हाईकोर्ट का डिसजन सेटिस्फेक्शन नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील करा जा सकता है तो इस तरीके के के केसेस को अपीलेट जुरिस्डिक्शन में कहा जाता है अपीलेट जुरिस्डिक्शन कवर्स थ्री टाइप्स ऑफ केसेज नेमली कॉन्स्टिट्यूशनल सिविल एंड क्रिमिनल कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस जो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए होते हैं इफ द कोर्ट रिफ्यूज टू गिव सच अ सर्टिफिकेट ऑन डैट केस सुप्रीम कोर्ट कैन ग्रांट स्पेशल लीव ऑफ अपील सिविल केसेस जैसे लॉ बेस्ड केसेस हैं क्वेश्चन शुड बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट अपील इन सिविल केसेस लाई टू द सुप्रीम कोर्ट इफ द हाई कोर्ट सर्टिफाइज दिस केस इनवॉल्व ऐसे क्वेश्चन हैं जो हाई कोर्ट नहीं सॉल्व कर सकती और सुप्रीम कोर्ट के पास जाना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉ के रिगार्डिंग अपील इन सच केसेज इज डिपेंडेंट ऑन द मेरिट ऑफ दिस केसेज इवन इन द हाई कोर्ट रिफ्यूज मान लीजिए अगर हाईकोर्ट रिफ्यूज करते भी है तो भी सुप्रीम कोर्ट एक स्पेशल लीव दे सकती है अपील करने के लिए इन सुटेबल केसेस क्रिमिनल केसेस टू टाइप्स ऑफ अपील्स लाई इन द सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग क्रिमिनल केसेज फर्स्ट इज केसेस विदाउट द सर्टिफिकेट ऑफ द हाईकोर्ट केसेज विद द सर्टिफिकेट ऑफ द हाईकोर्ट ऐसा केस जो हाईकोर्ट ने उसका जजमेंट नहीं दिया है या ऐसा केस जिसमें हाई कोर्ट ने सर्टिफिकेट दिया है तो पहला आता है द सर्टिफिकेट ऑफ द हाई कोर्ट इज नॉट रिक्वायर्ड कब जब हाई कोर्ट हैज रिवर्स्ड द जजमेंट ऑफ एक्विटल इवन बाय द लोअर कोर्ट एंड पनिश अ डेथ सेंटेंस जो लोअर कोर्ट ने जजमेंट दिया है और वही हाई कोर्ट ने भी दे दिया तो इसमें हाई कोर्ट के सर्टिफिकेट की, की, की जरूरत नहीं है अ केस विच इज विन फ्रॉम अ अबॉर्डिनेट कोर्ट कोई ऐसा केस जो सबॉर्डिनेट कोर्ट uh, से हटा लिया गया हो और एक्यूज को डेथ के लिए बोल दिया गया हो इन अदर इन ऑल अदर क्रिमिनल केसेस सर्टिफिकेट बाय द हाई कोर्ट इज रिक्वायर्ड क्रिमिनल केसेस के में तो सर्टिफिकेट ऑफ हाई कोर्ट की जरूरत बहुत है फॉर अपीलिंग अगर हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में अपील करना है तो पार्ट टू ग्रैंड स्पेशल लीव ऑफ अपील और पेटीशन अंडर आर्टिकल वन थर्टी सिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट कैन अलाउ स्पेशल लीव टू अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ एनी कोर्ट किसी भी कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया है उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट अलाउ करता है स्पेशल लीव टू अपील इन फैक्ट देर इज नथिंग टू प्रिवेंट द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम इंटरफियरिंग सुप्रीम कोर्ट को कोई रोक नहीं सकता इंटरफेयर करने से वेयर अ कोर्ट हैज मिस डायरेक्टेड इट सेल्फ और वेयर इट इज अ सीरियस एरर ऑफ लॉ हाउ एवर अ पर्सन हु फेल्स टू ऑपटेन अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द हाई कोर्ट मे अवेल द प्रोविजन फॉर अपीलिंग अगेंस्ट अ रॉन्ग जजमेंट तो रॉन्ग जजमेंट के खिलाफ या हाई कोर्ट से वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में पटीशन फाइल कर सकता है एडवाइजरी जो रिजिक्शन द कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन द फॉलोइंग एडवाइजरी फंक्शन टू द सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी फंक्शन क्या है सुप्रीम कोर्ट को मिला है कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है प्रेसिडेंट ओपिनियन ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से किसी भी इम्पोर्टेंस पब्लिक इंपोर्टेंस पब्लिक के फायदे के लिए किसी भी लॉ रिलेटेड क्वेश्चन के लिए सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड टू एक्सप्रेस इट्स ओपिनियन ऑन द मैटर्स रिफर टू ए सुप्रीम कोर्ट किसी से कंपलसरी नहीं है सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड टू गिव आंसर्स टू गिव ओपिनियन ऑन द मैटर्स द एडवाइस एंड द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट अगर सुप्रीम कोर्ट कोई एडवाइस देते हैं कोई ओपिनियन देता भी है तो प्रेसिडेंट के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो जरूर उसको एक्सेप्ट करें अंडर दिस जू रिजिक्शन डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रीटीज और एग्रीमेंट्स ऑफ फॉर्मर इंडियन स्टेट कैन ऑल्सो बी रेफर टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर इट्स ओपिनियन ओपिनियन के लिए इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रीटीज या जो भी अग्रीमेंट्स हुए हों पुराने इंडियन स्टेट्स के साथ वो भी सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियंस ले सकते हैं इस डिस्प्यूट के accord, इस के रिगार्डिंग भी ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट से लिया जा सकता है नेक्स्ट इज रिवाइजरी फंक्शन द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 137 थर्टी सेवन एक्सरसाइज द पार टू रिव्यू एनी जजमेंट और ऑर्डर डिक्लेय बाय इट कोई भी जजमेंट दिया जा चुका है उसको रिव्यू करने का पार सुप्रीम कोर्ट के पास है कि वो दोबारा रिवाइज कर सकते हैं देख सकते हैं दिस प्रोविजन इनेबल्स द सुप्रीम कोर्ट टू रेक्टिफाई एनी एरर अगर कोई एरर हो गई है जजमेंट के टाइम तो उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं ठीक कर सकते हैं दिस इज बिकॉज द सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट अलाउ एनी एरर इन दिस जजमेंट क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर सकता कोई भी गलती हो किसी जजमेंट में क्योंकि वो बहुत बड़ा हार्मफुल कहलाएगा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज नॉट इन योर सिलेबस pass of the supreme court first is a court of record everything is recording everything is recorded judgments are recorded for evidence and testimony these are in the nature of precedents high court and other courts जितने भी सिमिलर डिसीजन लिया जाता है आर बाउंड टू गिव सिमिलर डिसीजन इन सिमिलर केस मान लीजिए लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट से कभी किसी को गाइड की जरूरत पड़े सुप्रीम कोर्ट में जितने भी केसेस होते हैं सब रिकॉर्ड किया जाता है और उसी तरीके के सिमिलर डिसीजन दिया जाता है सिमिलर केस के लिए दे केन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट द कोर्ट हैज द दार टू पनिश कंटेम्प्ट ऑफ इट इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल राइट की इन्फोर्समेंट रिट रिट इज अ फॉर्म ऑफ रिटर्न कमांड अ डॉक्यूमेंट कमांडिंग अ पर्टिकुलर पर्सन और ऑफिशियल टू एक्ट और नॉट टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे रिट एक रिटर्न कमांड है जो कोर्ट देता है किसी पर्सन को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को कि रिट में जो भी लिखा है वो कमांड उसी हिसाब से एक्ट करना है या नहीं करना है इन अ पर्टिकुलर वे देर आर वेरियस काइंड ऑफ रिट्स और ऑर्डर इश्यूड बाय द सुप्रीम कोर्ट और दाई कोर्ट फर्स्ट वन इज रिट ऑफ हेबस कॉर्पस हेबस कार्प्रस इज अटिन वर्ड विच मीन्स यू मे हैव द बॉडी द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन इश्यू अ रिट ऑफ हेबस कार्प्रस टू अ पर्सन हु हैज इलिगली डिटेन्ड अनदर पर्सन इन कस्टडी जिसने जबरदस्ती किसी दूसरे पर्सन को कस्टडी में लिया है हाउ टू ब्रिंग द डि न्यू डिट्यूनी डिट्यू इन टू द कोर्ट टू क्लियरली एक्सप्लेन की उस पर्सन को क्यों डिटेन किया गया है अगर वो प्रूवड हो जाता है कि उसको गलती से रिटेन किया गया है देन ही विल बी एट वंस अनकंडीशनली रिलीज उसको तुरंत ही रिलीज कर दिया जाएगा रिट ऑफ मैंडमस मैंडमस मीन्स वी कमांड दिस सुप्रीम कोर्ट द हाई कोर्ट कैन इशू दिस रेट टू कंपेल एन इंफीरियर कोर्ट और एन ऑफिशियल और एन इंडिविजुअल टू परफॉर्म हिज ड्यूटी कोई भी चीज करने के लिए कमांड देते हैं रिट ऑफ मैंडमस में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट किसी भी लोअर uh, कोर्ट को या ऑफिशियल को या इंडिविजुअल को वो कमांड दे सकते हैं कि आपको ये परफॉर्म ये ड्यूटी करनी है तो करनी है रिट ऑफ प्रोबेशन अ रिट ऑफ प्रोबेशन इज इशूड टू प्रिवेंट एन इन्फीरियर कोर्ट रिट ऑफ प्रोबेशन इशू किया जाता है इन्फीरियर कोर्ट से बचने के लिए फ्रॉम हियरिंग अ मैटर बियॉन्ड इट्स जोरिस्डिक्शन दस द सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट डायरेक्ट द इन्फीरियर कोर्ट इन्फीरियर कोर्ट को डायरेक्ट करते हैं कि अपनी लिमिट में रहे टू कीप विद इन द लिमिट ऑफ इट्स ओन जोरिजिक्शन इन दिस सेंस इट्स इट इज प्रवेंटिव इन नेचर ये एक बचाव की तरह काम करता है रिट ऑफ सटियोरिटी सटियोरिटी मींस टू बी इन्फॉर्म्ड वॉट इज गोइंग ऑन इन्फॉर्म करना कि वॉट अबाउट क्या चल रहा है इस रिट के थ्रू लोअर कोर्ट को इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि वो अपने रिकॉर्ड उस पर्टिकुलर केस के लिए हाईकोर्ट को हैंड ओवर करें इनफैक्ट रिट इश्यू किया जाता है लोअर कोर्ट हैजरेडी हेड अगर लोअर कोर्ट उस केस को ऑलरेडी हियरिंग हो चुकी है उस, केस की हियरिंग हो चुकी है लोअर कोर्ट में और वो उसके jurisdiction के बियॉन्ड था और अपना जजमेंट उसने दिया इंटायर केस फाइल विल बी हैंड ओवर टू द हाई कोर्ट एंड द जजमेंट विल बी डिक्लेयर नल एंड वाइट और वो जो जो भी जजमेंट दिया जा चुका है वो नल एंड वाइट हो जाएगा तो ये एक रिट है जो एक रेमेडियल इन नेचर है मतलब ठीक करने का काम करती है नेक्स्ट इज रिट ऑफ क्यों वॉरेंटो दिस रिट इज इशूड अगेंस्ट अ पर्सन हुगली ऑक्यूपाइड इन ऑफिस ये रिट इशू किया जाता है वो उस पर्सन के खिलाफ जिसने अपने ऑफिस को गलत ऑक्यूपाई किया है द ऑफिस मस्ट बी अ पब्लिक वो जगह पब्लिक ऑफिस है और किसी प्राइवेट ने ऑक्यूपाई कर लिया है द रिट विल टेल द पर्सन टू एक्सप्लेन अंडर वॉट अथॉरिटी हीज होल्डिंग सच ऑफिस इफ द कोर्ट फाइन्स डेट द पर्सन इज होल्डिंग द ऑफिस इलिगली अगर कोर्ट को लगता है कि ये पर्सन ने ऑफिस को इल्लीगली ऑक्यूपाई किया है तो वो ऑर्डर देगा कि उसको ऑफिस तुरंत वेकेंट करना है खाली करना है नाउ नेक्स्ट पार ऑफ जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन एंड इंटरप्रिटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वी ऑल नो की सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई कोर्ट नहीं है कंट्री में सुप्रीम कोर्ट हमारी फंडामेंटल राइट को गार्ड करता है हमारे हक को दिलाता है जस्टिस दिलाता है द सुप्रीम कोर्ट हैज दार टू रिव्यू और एग्जामिन एनी लॉ पास द लेजिस्लेचर और एनी ऑर्डर इशूड सुप्रीम कोर्ट के पास पार है कोई भी जजमेंट दिया जा चुका है उसको दोबारा देखने के लिए या किसी लॉ को एग्जामिन करने के लिए अगर कोर्ट को लगता है कि लॉ और ऑर्डर गलत है तो वो डिक्लेयर कर सकता है नल एंड वाइड और ये पार पार और जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट को दी गई है इट इज ऑल्सो द इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि उसका डिसीजन ही फाइनल है हेंस सुप्रीम कोर्ट इज हैल्सो कॉल्ड एज द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट क्योंकि हमारे हक को दिलाने का काम सुप्रीम कोर्ट ही करता है तो ये गार्जियन हुआ फंडामेंटल राइट्स का एंड प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ताकि कॉन्स्टिट्यूशन का वियोलेशन ना हो स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू द सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइजेज इज जुडिशियल रिव्यू इन द फॉलोइंग वेज फर्स्ट व्हेन देर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एन द स्टेट और बिटवीन द स्टेट सुप्रीम कोर्ट कैन डिसाइड इट कभी भी कोई डिस्प्यूट होता है यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट के बीच में या स्टेट्स के बीच में भी होता है आपस में तो सुप्रीम कोर्ट ही डिसीजन देता है सेकंड सुप्रीम कोर्ट हैज दार्ट टू रिव्यू ऑल नेशनल एंड स्टेट लॉ एंड एग्जीक्यूट ऑर्डर कैन डिक्लेयर देम नल एंड वाइट इफ दे गो अगेंस्ट द स्पिरिट एंड लेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कुछ भी होता है तो सुप्रीम कोर्ट किसी भी लॉ को डिक्लेयर कर सकता है नल एंड वाइट supreme court is the guardian of the fundamental rights and supreme court can issue writs to enforce fundamental rights fundamental rights ko bachane ke liye, fundamental rights ko applicable karane ke liye wo issue karta hai writs if they are violated now next administrative functions last topic of this chapter administrative functions ye hai, chief justice of india appoints the officers and servants of the supreme court सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन द कोर्ट मेक्स रूल्स रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ द एडवोकेट्स रूल्स बनाते हैं सुप्रीम कोर्ट रूल बनाता है कैसे एडवोकेट रहेंगे वहां पर एडवोकेट्स के लिए भी रूल्स हैं थर्ड इट मेक रूल्स रिगार्डिंग द फीस टू बी कलेक्टेड फॉर द प्रोसिडिंग्स इन द कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टू ट्रांसफर द जजेस किसी कोर्ट के जजेस को ट्रांसफर करना है कौन हाई कोर्ट में ट्रांसफर करना है कहाँ करना है ये गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है चीफ जस्टिस का रिकमेंडेशन होता जरूर है लेकिन गवर्नमेंट पे बाइंड नहीं होता गवर्नमेंट पे एक्सेप्शन गवर्नमेंट मतलब एक्सेप्ट करें या ना करें गवर्नमेंट चीफ जस्टिस के रिकमेंडेशन को इफ एनी रिकमेंडेशन इज मेड विदाउट कंसल्टिंग फोर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है ना इफ द रिकमेंडेशन इज मेड विदाउट कंसल्टिंग फॉर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट तो भी जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग हो कि गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट ही कर ले नाउ हियर द चैप्टर इज एंडेड इंडिपेंडेंस एंड इम्पासिबिलिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज नॉट इन योर फर्दर रिज सिलेबस